रोहतक स्थित महारानी किशोरी देवी कॉलेज के गेट से चरखी दादरी की छात्रा के अपहरण मामले में नया मोड़ सामने आया है। किडनैपिंग के मुख्य आरोपी अंशुल चहल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने दावा किया है कि छात्रा उसके साथ शादी के लिए राजी थी। अब उस पर पिता का दबाव है, इस वजह से वो मुकर रही है। उसने छात्रा के पिता को शादी के लिए राजी करने का प्रयास भी किया था, मगर वो नहीं माने। सुनिए प्यार का दावा करने वाले इस युवक का और क्या कुछ कहना है। अंशुल है, ठीक है भाई, जो काल भाई है किशोरी कॉलेज में, मतलब भाई जो भी बतावे हैं अपहरण हुआ है या कुछ भी भाई, वो अंशुल भाई मेरा नाम है भाई। देख, वह लड़की थी भाई मेरी गर्लफ्रेंड, ठीक है, मेघा परमार नाम था उसका, अंशुल भाई मेरा नाम है भाई। मन ने देख बहुत घनी कोशिश करी भाई, मन ने उसके बाबू धरे भाई फ़ोन करे, हमारे घर क्या फ़ोन करे भाई, हमने मिलने की कोशिश करी, हमने बहुत मनाने की कोशिश करी भाई, ठीक है भाई। वह छोरी थी राजी, और भाई भी राजी है भाई, ठीक है। उसने भी भाई, उसके बाबू ने उसने कह रखी थी तन्ने कुछ भी कर दिया, तन्ने जीत मार दिया। उसके बाप ने भाई मेरे से भी कही थी के कार भाई, मतलब उसके पापा ने कि भाई मतलब हमने कुछ भी कर दिया, एक काम तो उसके बेटा मैं उसने नहीं मार छोड़ तन्ने मार छू पर यो ब्याह नहीं हो सकता, ठीक है भाई। ये बात कही थी पापा ने, मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े भाई, ठीक है भाई, मैंने बहुत कोशिश करी। ईब की बात को ना भाई, बिना इन बात था चार भी नहीं हो लिए भाई, ईब नई बात को ना ये, ठीक है। अरे भाई के कार लड़की में बहुत घना प्रेशर है भाई, ठीक है, बहुत घना प्रेशर था, ठीक है भाई। लड़की भाई देखो सही बताऊँ तो भाई, लड़की की ना तो कोई गलती भाई, ठीक है भाई, उसके घर के मान जावें तो ऐसा कुछ भी ना हो भाई, ठीक है। नू भी कौन है भाई, मैं नशे पते करता हूँ, मेरे और कमा हो ठीक ठाक छोरा रहा, मैं ठीक ठाक बा रही भाई, ठीक है। एक कास्ट तो थी भाई, कास्ट अलग थी मारी, और तो कुछ बड़ी बात होनी थी, ठीक है भाई। ई वी एन किडनैप कर ली, किडनैप कर ली भाई, सब कुछ नहीं हुआ था। मैं बताऊँगा भाई क्या हुआ था। एक बार लड़की ने भाई जुगराम पाँच छः मन उनके अंकल बता दी थी उसके पापा थे कि अंकल ने उन्होंने बात है, उसके पापा ने कही थी भाई ठीक है तब तक मिलूँगा मैं, मेरे भाई दावे रिकॉर्डिंग है भाई तीन जारी मेरे द्वारा सारी, उसके पापा ने कही थी भाई मैं तब तक मिलूँगा आराम से बेटा बात करा, उसके पापा ने मैंने सारी बता दी थी। अंकल ने उन्होंने था, हम डेढ़ दो साल तक रिलेशनशिप में थे, हम भी बन गए थे, जो भी मतलब हमारे बीच हुआ था मैंने उसके पापा ने सच्चाई बता दी थी सारी भाई। मेरे पापा ने कोशिश करी भाई उसके पापा से बात करने की, ठीक है, मेरे पापा से बात भी करी उसने दो तीन बार भाई, सी डाल भी करी, पर उसके पापा ने भाई देखते बिल्कुल साफ मना कर दी, यो ब्याह हो नहीं सकता, ठीक है भाई, ना मिलना आया ना और कुछ भाई। फिर उस लड़की के आए थे भाई मेरे दूर दिवाली दौरे मैसेज स्नैपचैट पर कि भाई मतलब मैं ना रह सकती तेरे बिना, ठीक है, मर जाऊँगी मैं या हमारे घर के मन मार देंगे, ठीक है, तो भाई तू जुगर तक ले जाई जा, मैं ले जा मैंने, ठीक है, मेरे तक को नहीं रहा जा, ठीक है भाई। ये लड़की ने मैसेज करके उस दिन के बाद भाई मेरे दौरे देख ना मैसेज आया ना फ़ोन आया, ठीक है। मैंने भाई मेरा पाड़ा उसका पेपर था भाई 16 तारीख का, उसका 16 दिसंबर का पेपर था भाई उसका। उस दिन भाई मैं गया कॉलेज में भाई मेरे दौरा गन थी एक, ठीक है भाई, मैं झूठ तो क्यों बोलूँ भाई, मेरे दौरे गन थी पर मतलब क्या कार भाई, मेरे यार दोस्त थे भाई, मेरे यार दोस्तों ने नहीं मेरा था, मेरे दौरा गन थी भाई, ठीक है ना। उनने मैंने भाई जो कर हमने करा की थी कोर्ट मैरिज की, वाह उस दौरे आधार कार्ड मंगाया था मेरे दौरा, ठीक है, मैंने उसका तब उसका उसने मेरा था, ठीक है, उससे कुछ पूछ लियो के कार भाई। हमने फिर के कार उसने हमने वो कागज़ कुगज तैयार करवा रखे थे, दो दिन पहला करवा रखे थे भाई कागज़ पहला, जो भी नहीं एट अ टाइम करवाए थे वकील। आगे युवक ने बताया कि वो करनाल में कोर्ट में शादी करने की तैयारी में था, वहां पर पुलिस आ गई, पुलिस का पहले ही भय था इसलिए वो भागकर वहां से चले गए। इसके बाद अंशुल और अमन की किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, जिसके बाद वो कार से उतर गया, कोर्ट मैरिज भी नहीं हो पाई, उसने छात्रा के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया भाई। उड़ा करनाल जाकर फिर उड़ा करनाल उसमें चौकी उसमें पुलिस आ गई भाई, ठीक है, उसमें कोर्ट में कागज को तैयार करवाए थे हमने, उसमें उसमें फिर पुलिस वाले मारे भाई बह तो था ही, पुलिस का चला गया ना, पुलिस देखते भाई हमने उड़ते बजा ली, उड़ते बजाए पीछे भाई के कार है, फिर उसने हम चले गए भाई पास को है, मेरा दोस्त है जो अमन उसकी मेरी भाई आपस में कहा सुनी होगी, कहा सुनी हो पीछे भाई मैं उतर लिया गाड़ी में, ठीक है भाई गाड़ी में उतर लिया मैं, और भाई के कारण हमारी कोर्ट मैरिज हो भाई, ठीक है। फिर बात चली गई भाई, वे चले गए मैं उड़े रह गया, ठीक है भाई, वो उसने लेकर चले गए मेरे बीच में भाई सोनी पत्ते पानी पत्ते ये पुलिस कट आ गए भाई, ठीक है। और भाई मेन चीज़ यह था, हम सोरी तो पूछ लो भाई, हमने ना जानते हो, हमने उसके अलावा कुछ गलत कर रखा, कुछ भी पूछ लो भाई, ठीक है, कुछ भी पूछ। बहरहाल पूरे मामले की बात करें तो चरखी दादरी के गाँव निवासी छात्रा रोहतक के महारानी किशोरी देवी कॉलेज में 16 दिसंबर को पेपर देने के लिए आई थी, इसी दौरान कार सवार तीन युवकों ने उसका पिस्तौल के बल पर अपहरण कर लिया। वहीं इस वारदात के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश की, गिरफ्तारी नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद छात्रा को पुलिस ने 48 घंटे के अंदर बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं अब मुख्य आरोपी समेत तीन और आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।